देख रहे हैं कराची एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आरफा रोहिल। हमारे क्राइम रिपोर्टर हमादुल फारूकी आपको भावलपुर नगर से एक अहम खबर से आगाह करते चलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट भावलपुर नगर पुलिस के जुर्म सितम और इंसानी हकूक के बामाली के इंतहा मुखालिफिन के इमाम पर फायरिंग करके तफसीली मदरसा डेरा अब्बास नगर की रिहायशी खातून ज़हूरा बीबी की बहु कतल और बेटा शदीद जख्मी कर दिया और लाश दाखिल बुर्सा के हवाले न की बल्कि मुतासरीन के खिलाफ ही झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर लिया। तो मुतासरीन इंसाफ ने नेशनल प्रेस क्लब पंजाब के मीडिया ऑफिस भावलपुर नगर पहुंच गए, एहतजाज करते हुए दास्तान सुनाई। वाकयात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट भावलपुर नगर के थाना मदरसा के नोहाई डेरा अब्बास नगर की रिहायशी दादू पोतरा खातून की खातून ज़हूरा बीबी सोजा फरीद अहमद ने आज नेशनल प्रेस क्लब पंजाब की मीडिया ऑफिस भावलपुर नगर पहुँच कर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और मीडिया को बताया कि मेरा बेटा जो साल बेटा मेरा शब्बीर हुसैन अपनी 17 साल बीवी शबाना के साथ किसी काम के सिलसिले में भावलपुर नगर जा रहा था कि पुलिस थाना मदरसा ने इनके मुखालफिन एमा पर पीछा किया और फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों मियाँ बीवी शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को उठाया भावलपुर नगर कोटरिया अस्पताल ले आए। इस दौरान मेरी जख्मी बहू वीडियो बयान करते हुए बताया कि पुलिस ने हमें फायरिंग करके जख्मी किया है। इस दौरान मेरी बहू शबाना अस्पताल में ही दम तोड़ गई और मेरे बेटे को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, जिसकी हालत भी नाजुक है। ज़हूरा है ज़हूरा बीबी ने अपने वीडियो बयान में बताया कि मेरी बहू की लाश इस वक्त पुलिस के तावील में है। पुलिस हम पर दबाव डाल रही है कि लाश का पास पोस्टमार्टम कराओ और लाश लेकर दफन कर दो और पुलिस के खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई ना करो तो जख्मी बेटे को रिहा कर देंगे, वरना तो डकैती और पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर देंगे। मुतासर खातून ज़हूरा बीबी ने कहा कि इस वक्त हमें शुरू पुलिस पर गर्दी के गहरे साए मंडला रहे हैं, अगर हमें फौरी इंसाफ ना मिला तो हम खुद सूजों पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह की मजीद खबरों के लिए देखते रहिएगा कराची एक्सप्रेस न्यूज़।